नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने ही चैनल माहिदा टेकी पर। तो आज बात करने वाले हैं पावर बैंक्स के बारे में। जी हाँ, तो टॉप 5 पावर बैंक्स आपको बताने वाला हूँ 10,000 mAh कैपेसिटी वाले, और टॉप 5 बताऊंगा 20,000 mAh कैपेसिटी वाले। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर बने रहें, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले 10,000 mAh कैपेसिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने नंबर 5 पे रखा है वन प्लस के पावर बैंक को। एक तो इसका हायर प्राइस है, क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा सिर्फ एक इनपुट पोर्ट आपको देखने को मिलता है, और सेम यही फीचर्स हमको कम रेंज में भी आगे जो मैं आपको पावर बैंक्स दिखाने वाला हूँ उसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ बात करते हैं नंबर 4 की, तो इसमें मैंने रियलमी 2i को रखा है। देखिए इसमें तीन वेरियंट है, एक नॉर्मल रियलमी, एक 2i और एक डार्ट वाला है 1999 में। तो इसको भी नंबर 4 पे रखने का रीज़न, एक तो इसकी हायर प्राइस रेंज है, प्लस 799 वाला जो इसका सस्ता है लेकिन उसमें सिर्फ 12 वॉट का ही आपको चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। डार्ट वाला वेरियंट इसका कॉस्टली काफ़ी है, लेकिन सिर्फ 96 मिनट में ही जो है वो आपके फोन को चार्ज कर देता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। अब नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं, तो वहाँ पे मैंने MI 3i पावर बैंक को रखा है, जो कि पूरा एलुमिनियम बॉडी है, तो मतलब आपका ये जो पावर बैंक है कभी ख़राब नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ इसमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है, तो देखिए 999 में आपको ज़्यादा वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 12 लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन है, इसमें लो पावर मोड भी है, तो आप अपने ईयरबड्स को और साथ साथ अपनी स्मार्ट वॉच को इससे चार्ज कर सकते हैं। 2 आउटपुट पोर्ट, 2 इनपुट पोर्ट इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर जो एक मुझे ड्रॉबैक बस यही लगता है कि ये थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, और थोड़ा सा गर्म और ठंडा काफ़ी जल्दी होता है क्योंकि मेटल बॉडी है, और सिर्फ 6 महीने की वारंटी है। लेकिन फिलिप्स की बात करते हैं, वो मैंने नंबर 2 पे रखा है। उसकी जो है रबराइज बॉडी है, इसमें भी 18 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट मिलता है, साथ में इसमें पावर डिलीवरी है प्लस क्विक चार्ज दोनों सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है, अभी 3.0 के साथ में मल्टी लेयर सर्किट प्रोटेक्शन इसमें भी देखने को मिल जाती है, और 1 ईयर की वारंटी है। उसके बाद बारी आती है नंबर 1 की, तो वहाँ पे मैंने रखा है MI 10,000 mAh पॉकेट प्रो पावर बैंक को। तो ये नया पावर बैंक आया है, इसकी रबराइज बॉडी है पूरी की पूरी। सबसे खास बात, 1199 में आपको 22.5 की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, ट्रिपल आउटपुट पोर्ट है, जो कि 10,000 mAh के पावर बैंक में मिलने बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ इसमें टाइप सी USB केबल भी आपको बॉक्स में मिलती है, 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलता है, ड्यूअल इनपुट पोर्ट्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ प्राइस इसका ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इतना पैसा खर्च सकते हैं, मतलब बाकी जो पावर बैंक थे वो 1,000 के आ रहे थे, अगर इसमें आप 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा सकते हैं तो आपको हर चीज़ इसमें लेटेस्ट देखने को मिल जाएगी। QC चार्ज भी इसमें 3.0 का अवेलेबल है। उसके अलावा 10,000 में और भी पावर बैंक्स अवेलेबल हैं, जैसे एम्ब्रेन का सिर्फ 649 में। इसको मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें जो है इनपुट पोर्ट है वो माइक्रो USB का, मतलब इसको चार्जिंग करने में आपको सदियों लग जाएंगी। उसके बाद आता है सिस्का का, ये भी 699 का है। इसको मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके अंदर जो है सिर्फ 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, तो वो कोई फास्ट चार्जिंग नहीं होती है, मतलब आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा आपके गैजेट्स को चार्ज करने में। फिर इसके बाद रेडमी का भी पावर बैंक था, इसमें भी सिर्फ 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट था, इस चक्कर में मैंने इसको नहीं लिया अपनी टॉप 5 की लिस्ट में। URBN का भी पावर बैंक है 10,000 mAh का, इसको भी ना लेने का जो चक्कर है वो है सिर्फ 12 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, लेकिन अगर बात करूँ आप 12 वॉट से काम चला सकते हैं, तो 699 में ये भी एक बहुत बढ़िया पावर बैंक हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है दोस्तों, वो आती है 20,000 mAh के पावर बैंक्स की। इसमें मैंने नंबर 5 पे रखा है रियलमी को, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, ये 1,699। इसमें भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, QC+PD 2.0 है इसमें, 2 इनपुट पोर्ट, ट्रिपल आउटपुट पोर्ट आपको इसमें देखने को मिला, वेट काफ़ी ज़्यादा है 495 ग्राम, मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। सबसे अच्छी चीज़ जो है 14 लेयर का इसमें सर्किट प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलता है, साथ में 2-in-1 चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, और 1 ईयर की वारंटी है। नंबर 5 पे मैंने साथ में MI 3i को भी रखा है, क्योंकि इसका प्राइस भी सेम है, लगभग सेम फीचर जो रियलमी दे रहा है, जैसे कि 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, ट्रिपल आउटपुट पोर्ट्स वगैरह, 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और नंबर 5 पे मैंने एक और पावर बैंक रखा है एम्ब्रेन पावर लाइट का 1599। देखिए इनकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से मैंने इनको नंबर 5 पे रखा है, क्योंकि इससे कम कीमत में ऐसे ही फीचर हमें आगे आने वाले पावर बैंक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर भी आपको मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है, 2 आउटपुट पोर्ट हैं, 1 इनपुट पोर्ट है, 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं नंबर 4 की, नंबर 4 पे मैंने रखा है रेडमी पावर बैंक को 20,000 mAh वाला, 1499 की कीमत है, तो पिछले वाले 100 रुपये सस्ता है। इसके अंदर 2 आउटपुट पोर्ट, 2 इनपुट पोर्ट, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, काफ़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। हाँ थोड़ा हैवी है 447 ग्राम्स का, लेकिन पूरा वैल्यू फॉर मनी पावर बैंक है, और 100 रुपये हमको सस्ता भी देखने को मिलता है, इनफैक्ट 200 रुपये। ज़ेब्रोनिक्स का पावर बैंक है, वो मैंने रखा है नंबर 3 पे। इसका जो 20 वॉट वाला वेरिएंट है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको रग्ड ABS बॉडी एक तो देखने को मिल जाएगी, 2 इनपुट पोर्ट, 2 आउटपुट पोर्ट, 20
वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, साथ के साथ इसमें सर्किट ओवरचार्ज ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है, एक साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है और टॉर्च लाइट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं नंबर दो की, तो नंबर दो पे मैंने रखा है पीट्रॉन डायनेमो। इसकी कीमत है सिर्फ 999 रुपये। इसके अंदर आपको मेटल केसिंग देखने को मिल जाएंगे, दो इनपुट पोर्ट, दो आउटपुट पोर्ट, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में पावर डिलीवरी एंड क्यूसी भी है 3.0, साथ में 7 लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, एक साल की वारंटी है इसमें। तो मतलब इतने सारे फीचर आपको सिर्फ 999 में, जो बाकी पावर बैंक्स आपको 1599 1699 में ऑफर कर रहे थे। नंबर वन पे मैंने रखा है URBN 20,000 mAh पावर बैंक को। इसमें दो वेरियंट है, 18 वॉट का 1199 में और 22.5 वॉट का 1399 में। इसमें भी आपको ABS प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, दो इनपुट पोर्ट, दो आउटपुट पोर्ट देखने को मिलते हैं, 18 वॉट एंड 22.5 वॉट का सपोर्ट है, 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग है। तो बाकियों से कम प्राइस में आपको ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रहा है। PD एंड QC इसमें भी 3.0 है, मतलब लेटेस्ट वर्जन है, तो आपकी चार्जिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से होने वाली है। यही रीज़न है कम कीमत में इतने अच्छे फीचर देने के बाद इसको रखने का नंबर वन पे। इसके अलावा जो और अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे फिलिप्स का पावर बैंक है 1599 में, इसमें 2 इनपुट पोर्ट्स हैं, 1 आउटपुट पोर्ट है, PD प्लस QC के साथ में 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है, क्विक चार्ज भी है 3.0, 400 ग्राम इसका वेट है, 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। बस इसके जो ड्रॉबैक जो मुझे इसके अंदर लगता है वो लगता है इसका प्राइस। फिर हम बात करते हैं एक और वेरिएंट है पोट्रोनिक्स का, 1199 रुपये में 20,000 mAh का पावर बैंक है। इसके अंदर ड्यूअल इनपुट पोर्ट है, ट्रिपल आउटपुट पोर्ट देखने को मिलता है, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाता है पावर डिलीवरी के साथ में। इसका जो है वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको जो है अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया, 495 ग्राम प्लस इसकी जो हाइट है, विड्थ है, थिकनेस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बल्की लगने वाला है, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया था अपनी लिस्ट में। फिर है सिस्का का पावर बैंक 1299 में, इसके अंदर जो है फास्ट चार्जिंग सिर्फ 10 वॉट की दी गई है, इसलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इनसे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।